जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो प्रश्न संख्या 14, शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। दोस्तों, टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एस, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच। दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एच की का यूज किया जाता है टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए। प्रश्न संख्या 15, फ्रॉम विच मेन्यू वी कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। दोस्तों, हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू ऑप्शन का यूज किया जाता है? होम मेन्यू, ऑप्शन बी डिजाइन मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू, या फिर ऑप्शन डी इंसर्ट मेन्यू। दोस्तों, हम हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं ऑप्शन डी इंसर्ट मेन्यू का। दोस्तों, मैं आपको हेडर एंड फुटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। हेडर एंड फुटर, ये दोस्तों हम एक अपना एग्जाम्पल के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये है दोस्तों हमारा पेज डॉक्यूमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं, और ये है दोस्तों दूसरा डॉक्यूमेंट, एक बुक है जिसमें ये दो पेजेस है। आपने देखा होगा बुक्स में अक्सर टॉप में या तो राइटर का नाम लिखा होता है, या फिर उस कंपनी का नाम लिखा होता है, पब्लिशर का नाम लिखा होता है, तो वो हर पेज में सेम रहता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपकी नोटबुक के जरूरी नहीं हर नोटबुक में होगा। कई बार आपने देखा होगा कि टॉप में नाम लिखा होता है, वो लेफ्ट में हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, या फिर सेंटर में भी हो सकता है। प्रत्येक पन्ने पर, हर पेज पर वो टेक्स्ट एंटर होते हैं। तो यदि वो चीज, वो टेक्स्ट आपके टॉप में लिखे हो तो वो कहलाते हैं दोस्तों हेडर। यदि वो टेक्स्ट कोई भी कंपनी का नाम, राइटर का नाम, बुक का नाम, अगर वो टॉप में लिखा रहता है तो हेडर कहलाता है। यदि यही चीज उस पेज के बॉटम में लिखी होती है, नीचे लिखी होती है, तो वो कहलाती है दोस्तों फुटर। एक बार आपको टाइप करना होगा, जितने भी पेज होंगे, जितने भी आपके उसके फाइल में पन्ने होंगे, उन सभी में वो वर्ड, वो आपका सेंटेंस आता जाएगा ऑटोमेटिकली। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव अ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डॉक्यूमेंट। दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे डॉक्यूमेंट में हम डाटा को मूव करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? ऑप्शन ए कॉपी और पेस्ट, ऑप्शन बी कट एंड पेस्ट, ऑप्शन सी कॉपी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कट एंड पेस्ट। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कॉपी पेस्ट का भी यही काम होता है, लेकिन आप इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, मूव, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आप कॉपी एंड पेस्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मूव का मतलब है कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने लिखा है, जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ लिखा है, यहाँ से यदि आपको उसको अनदर डॉक्यूमेंट में, ठीक है दोस्तों, अनदर डॉक्यूमेंट में ले जाना है, यहाँ पर उसे नहीं रखना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो भी डाटा आपका इस पेज में या फिर इस फाइल में राइट है, यदि आप इसे यहाँ से हटाना चाहते हो, दूसरी जगह लेना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे कट एंड पेस्ट का। यदि आप चाहते हो कि डाटा यहाँ भी रहे और इसकी कॉपी यहाँ बने, डुप्लीकेट कॉपी, तो दोस्तों हम यूज करते हैं कॉपी और पेस्ट का, बाय प्रेसिंग F8 की 2 times सेलेक्ट इन MS Word। दोस्तों, यदि हम MS Word में F8 की, जो हमारी F8 फंक्शन की होती है, इसे हम 2 बार प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, सेलेक्ट क्या होता है, एक वर्ड, एंटायर डॉक्यूमेंट, ए पैराग्राफ, सेंटेंस। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, बाय प्रेसिंग F8 की 3 times। दोस्तों, यदि हम उसे 3 बार प्रेस कर ले तो क्या सिलेक्ट होता है? दोस्तों, एक वर्ड, एंटायर डॉक्यूमेंट, ए पैराग्राफ, या फिर सेंटेंस। यदि दोस्तों F8 फंक्शन की को आप 3 बार प्रेस करेंगे MS Word में, तो एक सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा सेलेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाय प्रेसिंग F12 की व्हाट हैपन। दोस्तों, फॉर एग्जांपल हम MS Word में काम कर रहे हैं, तो काम करते करते गलती से F12 की प्रेस हो गई, तो क्या होगा,
मूव द कर्सर बिगनिंग द लाइन, मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ ऑल द सेंटेंस, टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, टू ओपन ओपन डायलॉग बॉक्स। दोस्तों यदि हमारे से या फिर हम F12 की प्रेस कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो आपका सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F12 की व्हाट हैपन। दोस्तों यदि हम कंट्रोल के साथ F12 की को प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है, इससे पहले हमने केवल F12 की प्रेस की थी तो ओपन हुआ था सेव एज डायलॉग बॉक्स। यदि हम सिंपली F12 की प्रेस करते हैं तो दोस्तों सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यदि कंट्रोल के साथ F12 की प्रेस हो जाए तो क्या होता है दोस्तों, टू ओपन ओपन डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स का मतलब हम किसी फाइल को वहां से ओपन कर सकते हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स का मतलब है दोस्तों फाइल को सेव करना विद चेंजिंग इट्स पाथ।